नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल बिहार टेलीविजन नेटवर्क की पेशकश बीटीएन न्यूज प्रतिदिन। मैं हूं संतोष झा, हाजिर हम आपके क्षेत्र आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों समेत शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। नोटबंदी का एक साल पूरा, संपूर्ण विपक्ष ने जताया विरोध, कहीं फूंका पीएम का पुतला तो कहीं किया प्रदर्शन, भाजपा ने मनाया कालाधन विरोधी दिवस। नोटबंदी, भ्रष्टाचार और कालाधन खात्मे के लिए काबिले तारीफ प्रयास, दरभंगा में यह कहा पूर्व मंत्री नीतीश मिश्र ने। और जिलाधिकारी ने की 7 निश्चय योजनाओं की समीक्षा, धीमी प्रगति पर खासी नाराजगी। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। और समाचार अब विस्तार के साथ। नोटबंदी का एक साल पूरा हुआ और देश के 18 राजनीतिक दलों के साथ दरभंगा में भी विभिन्न पार्टियों ने अपना विरोध जमकर जताया। प्रधानमंत्री का फूंका कहीं पुतला तो कहीं मनाया काला दिवस। 8 नवंबर 2016 और इसके ठीक एक साल बाद 8 नवंबर 2017 को नोटबंदी का एक साल पूरा होने पर देश के 18 राजनीतिक दलों के साथ दरभंगा में भी विभिन्न राजनीतिक दलों ने विरोध जताया, फूंका पीएम का पुतला कहीं तो कहीं मनाया काला दिवस। राष्ट्रीय जनता दल ने कुछ यूं जताया विरोध। भाकपा माले ने कुछ ऐसे जताया विरोध। आज पूरे देश में नोटबंदी के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ और राशन कार्ड को आधार से जोड़ने के खिलाफ काला दिवस मनाया जा रहा है। एक साल का अनुभव नोटबंदी का है। मोदी जी ने जिन लाभ को गिनाया था कि काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कितना अवैध संपत्ति है सब जनता के हाथों में आ जाएगी, कहीं कुछ वाला नोटबंदी मुर्दाबाद। राशन कार्ड को आधार से जोड़ने वाला नियम गलत है। समाजवादी पार्टी ने जताया विरोध कुछ इस तरह नोटबंदी का। लेकर के ये आज साल भर हो गया नोटबंदी का, जिसका हम लोग काला दिवस मनाने के रूप में आज 8 नवंबर को अनेक मास्क के द्वारा, पैदल मास्क के द्वारा काला दिवस मना रहे हैं। आज एक साल हो गया तो देश का वजह से, नोटबंदी की वजह से देश के आर्थिक व्यवस्था में काफ़ी कमी और जिसके विरुद्ध में समाजवादी पार्टी आज काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। समाजवादी व्यवस्था
और साझी विरासत ने विरोध किया कुछ इस तरह नोटबंदी का। संपूर्ण देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां जो भाजपा नीति की सरकार नरेंद्र मोदी दिवस स्वप्न दिखाए थे, देश में अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने अच्छे दिन लाए, अच्छे दिन ऐसा लाया नोटबंदी करके। नोटबंदी का परिणाम यह हुआ, कितनी माँ बहनों की, कितने बहनों की शादी रुक गई, कितने माँ बहनों का सुहाग गुजर गया। कांग्रेस उठाता या काला कानून जो है, वाकई में गरीब विरोधी और किसान विरोधी सरकार है। इसमें कानून बदलने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले गरीब की झोपड़ी आज उजड़ रही है, इसके बारे में नरेंद्र मोदी जी को जरा सा भी ध्यान नहीं है। देश में दो आदमी को वास्तव में लोग याद करेंगे, एक है झांसी की रानी और एक है झांसे के राजा। जल्दी हो आने वाले समय में हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। हम लोग जनता दल यूनाइटेड के सिपाही हैं, शरद जी के नेतृत्व में आज ये दिवस काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम लोग इसलिए मना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किए थे भारत की जनता को कि आने वाला समय जो होगा अच्छा दिन होगा, वोट लेने का काम की। लेकिन मैं जनता मालिकों से पूछना चाहता हूँ, पत्रकार भाइयों से, कांग्रेस का विरोध नोटबंदी के खिलाफ कुछ ऐसा। और साझी विरासत ने विरोध किया कुछ इस तरह नोटबंदी का। संपूर्ण देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां जो भाजपा नीति की सरकार नरेंद्र मोदी दिवस स्वप्न दिखाए थे, देश में अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने अच्छे दिन लाए, अच्छे दिन ऐसा लाया नोटबंदी करके। नोटबंदी का परिणाम यह हुआ, कितनी माँ बहनों की, कितने बहनों की शादी रुक गई, कितने माँ बहनों का सुहाग गुजर गया। कांग्रेस उठाता या काला कानून जो है, वाकई में गरीब विरोधी और किसान विरोधी सरकार है। इसमें कानून बदलने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले गरीब की झोपड़ी आज उजड़ रही है, इसके बारे में नरेंद्र मोदी जी को जरा सा भी ध्यान नहीं है। देश में दो आदमी को वास्तव में लोग याद करेंगे, एक है झांसी की रानी और एक है झांसे के राजा। जल्दी हो आने वाले समय में हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। हम लोग जनता दल यूनाइटेड के सिपाही हैं, शरद जी के नेतृत्व में आज ये दिवस काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम लोग इसलिए मना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किए थे भारत की जनता को कि आने वाला समय जो होगा अच्छा दिन होगा, वोट लेने का काम की। लेकिन मैं जनता मालिकों से पूछना चाहता हूँ, पत्रकार भाइयों से, कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, एक निवेदन है कि जितनी भी पार्टी के साथी हैं सभी बोलेंगे, उपस्थित होकर के अपना बैनर के साथ जो जो मुख्य साथी हैं अपने पार्टी के उनको बुलाइए, नाराबंदी लगाकर के पैदल मार्च धरना स्थल पर आए समाजवादी के, आज जो भी धरना प्रदर्शन केवटी के विधायक आदरणीय डॉक्टर फराज फातमी साहब। सभी दल इस मुद्दे पर एकजुट दिखे, सभा भी की।
आदरणीय हरे कृष्ण यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी पूर्व महापौर आदरणीय ओम प्रकाश खेरिया, सम्मानित अध्यक्ष श्री वसी अहमद साहब, साझी विरासत, पिछले साल कि हम काला धन को वापस लाएंगे। नोटबंदी हम इसलिए कर रहे हैं किसी में पार जो आतंकवाद को प्रश्रय मिल रहा है उसको हम बंद करेंगे। हम नोटबंदी इसलिए कर रहे हैं कि जाली नोट जो प्रचलन में आया है उसको हम समाप्त करेंगे। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भारत सरकार ने यह नहीं बताया कि कितना काला धन का पैसा भारत के रिजर्व बैंक में जमा हुआ। पूरे मुल्क के अंदर नोटबंदी की गई थी और 500 को खत्म किया गया। आज के दिन नोटबंदी और जीएसटी के खिलाफ 18 पार्टियां पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रही हैं और उसी के जीएसटी और नोटबंदी के खिलाफ और यहां तक आए हैं। और आज का जो दिन है वो काला दिन, इसलिए काला दिन है कि मुल्क का कितना बड़ा नुकसान एक दिन में इतिहास में नहीं। इसलिए आज का तारीख जो है वो काला दिन के रूप में हम लोग मना रहे हैं। समझो कि कम से कम मुल्क का 50 से 60 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ इस एक छोटे से फैसले और लाखों करोड़ रुपया जो था वो वाइट हो गया इस एक फैसले से। पूरे मुल्क के अंदर करोड़ों नौजवानों का रोजगार चला गया। अगर 1% जीडीपी घटता है तो कम से कम 2 करोड़ लोगों की नौजवानों की नौकरी और रोजगार उनके हाथ से छूटता है। आप जानते ही हो कि तकरीबन 2% जीडीपी गिरा है सिर्फ नोटबंदी को लेकर। जीएसटी को लेकर के अलग जब तिमाही का आएगा जीडीपी का रिपोर्ट उसमें, इसलिए पूरे देश के अंदर आज आक्रोश है, गुस्सा है और उसको आज हम लोग काला दिवस के रूप में हर पार्टी हम लोग आरजेडी पार्टी और इसकी मुआवन 18 पार्टी हम लोग इस जीएसटी और नोटबंदी के खिलाफ महाधरना और प्रदर्शन का हम लोग ये किए हैं, जिससे पूरे जिला से हजारों हजार कार्यकर्ता पोलो फील्ड मैदान और कलेक्ट्रेट पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि जीएसटी और जो नोटबंदी से जो लोगों को हानि हुई ये बतलाने के लिए हम लोग आवाम को ये मीटिंग बुलाए हैं। और ये मीटिंग लालू जी की तरफ से पूरे बिहार में और कहा गया कि अपने अपने ज़िला में जो है वो आप मीटिंग करिए, लोगों को बताइए, इसी के विरुद्ध आवाम को हम लोग बताने का काम करेंगे। और 11 बजे से कलेक्ट्रेट और पोलो फील्ड मैदान में हम लोगों का प्रोग्राम और भाषण धरना जुलूस 5 बजे शाम तक जारी रहेगा और इसके बाद ये समाप्त। हिंदुस्तान में टूट गया है और नोटबंदी के बाद फिर जीएसटी की दोनों नोटबंदी से एक तरफ मोदी जी बोले थे जो 2 करोड़ प्रतिष्ठान नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन नोटबंदी से एक मुश्त सरकारी आंकड़ा के मुताबिक 75 लाख नौजवान बेरोजगार हुए। छोटा कारोबारी जो था उसका दुकान बिजनेस बंद करना पड़ा। जो थोड़ा बहुत कसर बचा था वो तो जीएसटी लाने के बाद और पूरा छोटे कारोबारी, छोटा उद्योग करने वाले और छोटा व्यापार करने वाले, साधारण जिंदगी जीने वाले, तो उसको बड़ी बुरा प्रभाव पड़ा नोटबंदी से। इतना ही नहीं हुआ कि तो कुप्रभाव हुआ ही देश में, साथ साथ सैकड़ों आदमी का जान मोदी सरकार ने नोटबंदी करके लोगों को लाए। विधायक आदरणीय, इधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी समेत कई संगठनों ने नोटबंदी का विरोध करने वालों को अलग अलग कार्यक्रम कर अलग अपनी तरफ से जवाब दिए। स्वतंत्र कुमार, बीटीएन न्यूज। इधर भारतीय जनता पार्टी ने इस दिवस को काला धन विरोधी दिवस के रूप में मनाया। लहरी असराय टावर पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने
काला धन विरोधी दिवस मनाते हुए काले धन का ही पुतला फूंका। नोटबंदी, भ्रष्टाचार और काला धन के खात्मे को लेकर केंद्र सरकार का प्रयास काबिले तारीफ है। दरभंगा में यह कहा बिहार के पूर्व मंत्री और नेता नीतीश मिश्रा ने। देशव्यापी कालाधन विरोधी दिवस पर उन्होंने कहा कि इस फैसले ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। नोटबंदी के बाद 16,000 करोड़ रुपए के काले धन की राशि अब तक अर्थव्यवस्था में नहीं लौटी है, इसकी जांच चल रही है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा दरभंगा पहुंचे बुधवार को। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात की, कहा नोटबंदी, भ्रष्टाचार और काला धन के खात्मे को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा कदम है, काबिले तारीफ है। नीति शोध विषयक विभाग के संयोजक हैं नीतीश मिश्रा। सब जान रहे हैं कि आज नोटबंदी जो हुई थी उसका आज एक वर्ष हुआ है, तो इसके तहत विपक्ष ने नोटबंदी का विरोध और जीएसटी के विरोध में उसको काला दिवस के रूप में मना रही है। इसी समय में भारतीय जनता पार्टी इस नोटबंदी के एक वर्ष पूर्ण होने पर काला धन विरोध दिवस के तौर पर हम लोग मना रहे हैं। मुख्यतः एक हमने आप सबको एक कुछ बिंदुवार भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो आप सबके मन में भी इस तरह के प्रश्न आते होंगे कि नोटबंदी जो हुआ वो कितना, उसके परिणाम क्या आए, उसके रिजल्ट्स क्या आए, देश को उससे कितना फ़ायदा हुआ। मैं पुनः उस बातों को नहीं दोहराऊंगा क्योंकि बहुत विस्तार से आपको हमने वो अभी दिया भी है, लेकिन प्रमुख से अगर हम लोग बात करें कि नोटबंदी करने का मुख्य मकसद क्या था, तो आप एक साधारण लहजे में ये हम कह सकते हैं कि देश को ईमानदारी की राह पर बढ़ाने का एक बहुत ही मजबूत एक स्टेप कहिए, कदम कहिए, प्रयास कहिए। और कहीं ना कहीं हमको और आपको ये भी बात को मानना होगा कि जिस तरह का जनादेश 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला था, बहुत उम्मीद के साथ देश ने उनको चुना था। और कहीं ना कहीं अगर कोई एक व्यक्ति विश्व में किसी भी राष्ट्र की आप बात कर लें, कोई ना कोई एक व्यक्ति ज़रूर कभी ऐसा आता है जो उस देश में एक व्यापक बदलाव की नींव रखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो एक बदलाव की नींव रखी है वो ना सिर्फ हम लोग की पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए एक नए भारत के निर्माण के लिए बहुत एक मजबूत एक प्रयास आप कह सकते हैं उन्होंने एक प्रारंभ किया। स्वाभाविक तौर पर आप जो नोटबंदी के प्रमुख बिंदुओं को आप देखेंगे तो 99% ऐसी राशि जो कहीं ना कहीं जो हाई डिमांड हाई वैल्यू के हुआ करते थे वो रिज़र्व बैंक में वो वापस आए, लेकिन आज भी लगभग 16,000 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो वापस नहीं आए, उसकी भी एक जांच चल रही है। जिस तरह से एक चर्चा में शेल कंपनी की बात आती है जिसको हम लोग एक तरह से वैसी कंपनियों की बात करते हैं जो सिर्फ कागज़ पर चल रही हैं लेकिन वास्तविकता में नहीं है, ऐसी लाखों कंपनियों को चिन्हित किया गया, उनके ट्रांजैक्शंस को देखा गया और जितने लोगों ने राशि जमा की है उनको कहीं ना कहीं अगर वो उसका स्रोत नहीं बता पाए हैं एक वर्षों में या आने वाले समय में जब इनकम टैक्स विभाग ने उन वैसे लोगों को चिन्हित किया हुआ है कि जिनका जो वो वार्षिक रिटर्न सतेंद्र कुमार बीटीएन न्यूज। सरकार के साथ निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई और कार्य प्रगति की जानकारी। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में सरकार के साथ निश्चय कार्यक्रम से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई बुधवार को। सरकार के साथ निश्चय योजनाओं की समीक्षा की डीएम ने, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने पाया कि शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लेखा के लापरवाही की वजह से पिछले महीने प्राप्त 589 आवेदन पत्रों में से 261 आवेदनों का निष्पादन उनके स्तर से नहीं किया गया। विभागीय निर्देशानुसार इस तरह के आवेदनों पर 2 दिनों के अंदर ही निर्णय ले लिया जाना है। ऐसा नहीं किए जाने पर जिला पदाधिकारी ने गहरा असंतोष जताया और कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में है, इनके इस तरह के घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की वजह से संबंधित छात्रों को योजना का लाभ मिलने में अनावश्यक विलंब हुआ एवं इससे जिले के रैंकिंग पर भी दुष्प्रभाव पड़ा, इसलिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कृत्य के विरुद्ध प्रपत्र क गठित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु शिक्षा विभाग को प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया।
बैंकों के द्वारा भी अनावश्यक विलंब करने से छात्रों को इस योजना का लाभ ससमय नहीं मिल पा रहा, तब ऐसे बैंकों को चिन्हित कर जो योजना का लाभ नियमानुसार देने में आनाकानी एवं अनावश्यक विलंब कर रहे हैं उनके शाखा प्रबंधकों के विरुद्ध इस योजना के एक्ट के तहत स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। संतोषजनक उत्तर नहीं पाए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध भी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु बैंक के वरीय पदाधिकारियों को लिखा जाएगा। कुशल युवा कार्यक्रम की स्थिति भी असंतोषजनक पाई गई, इसके लिए जिला नियोजन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। शौचालय निर्माण एवं हर घर नल का जल योजना की भी समीक्षा हुई। उक्त बैठक में डीआरडीए निदेशक नरेश झा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी शत्रुघ्न कामती, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार, कार्यपालक अभियंता पीएचडी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी और अभियंता गण उपस्थित थे। सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। आवेदन 15 दिन से अधिक समय से लंबित है विभिन्न बैंकों के पास, इसको एलडीए सुनिश्चित कराए। बिहार झारखंड राज्य स्तरीय शास्त्रीय स्पर्धा संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की गई सीनेट हॉल में कुलपति डॉक्टर सर्वनारायण झा ने भी प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बिहार झारखंड राज्य स्तरीय शास्त्रीय स्पर्धा संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की गई, कुलपति ने इसका उद्घाटन किया बुधवार को। सर्वे सज्जना समुद्धारे धरती जानी जाती है और अब
बच्चों को शायद विश्वास नहीं हो कि यहाँ पक्षी भी संस्कृत में वेदोच्चारण करते होंगे। यह एक अविश्वसनीय चीज है जिसको मिथिला की परंपरा में, मिथिला की इस धरती ने साकार स्वरूप प्रदान किया था। संभवतः अगले सत्र में इस राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के सहयोग से आयोजित होने वाली यह झारखंड और बिहार क्षेत्र के छात्रों को आकर्षित करती हुई यह प्रतियोगिता अपनी पुरानी परंपरा को स्थापित करने में सफल सहाय संस्थान से निर्देश वयम कुर्मः। अतः ये केचन छात्राः समागताः सन्ति, तेषां च तैस्सह अभिभावकाः समागताः सन्ति। ते नियमं सम्यक्तया ज्ञात्वा छात्रान् अबोध्य अत्र स्पर्धायां तु प्रेष्यन्तेव। इतः अनन्तरं ये चिताः भवन्ति छात्राः प्रतिभागिनः त्रिपुराराज्यं प्रति गन्तुं, तेषां कृते विशेषतया अभ्यासं कारयन्तु। अभ्यासेन विना न शेत्स्यति तत्र कुत्रचिदपि किञ्चिदपि। अस्मासु केचन सर्फराजालम बीटीएन न्यूज। जय श्यामा माई की नामधुन से गुंजायमान हो रहा है राज परिसर, श्यामा मंदिर में जुट रही भक्तों की बारी भी। और हर तरफ है गूंज जय श्यामा माई की। श्यामा नामधुन अखंड नवाह यज्ञ चल रहा है राज परिसर स्थित काली मंदिर में। श्यामा मंदिर में पहुंच रहे हैं भक्त। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार राज्य परिषद सदस्य और दरभंगा के नेता कॉमरेड गोपाल प्रसाद सिंह का हृदय गति रुक जाने से अचानक निधन हो गया।
पटना के नृत्य कला मंदिर के मुक्ताकाश में आयोजित समाजवादी सोवियत क्रांति के राज्य स्तरीय शताब्दी समारोह में भाग लेने के बाद दरभंगा वापस लौटने के क्रम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बिहार राज्य परिषद सदस्य और दरभंगा जिला के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड गोपाल प्रसाद सिंह का निधन हृदयगति रुक जाने से हो गया। वे 78 वर्ष के थे। राज्य स्तरीय समारोह में भाग लेने हेतु पार्टी के जिला मंत्री नारायण जी झा के नेतृत्व में एक बस कार्यकर्ताओं और नेताओं का जत्था लेकर पटना गया था। संतोष झा, BTN न्यूज। माँ ज्वाला राइस मिल का उद्घाटन डरहार अब्दुल्लापुर में हुआ। विधायक भोला यादव ने इसका उद्घाटन। माँ ज्वाला राइस मिल का उद्घाटन डरहार अब्दुल्लापुर में बहादुरपुर विधायक भोला यादव ने किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए। सकते हैं और उचित मूल्य पर बाजार में बेच सकते हैं। ऐसे धान बेचने से पैसे में कमी मिलती थी, बहुत कम पैसा 1100 का रेट अभी मात्र खोले हुए हैं, लेकिन इसी को चावल के रूप में यदि बेचा जाएगा तो अच्छा रेट मिलेगा, इससे किसान को काफ़ी लाभ पहुंचेगा। और हम समझ जनता से जुड़ा हुआ है, किसान से जुड़ा हुआ है। किसान के लिए मैं पहले से भी आज 8 साल से पैक्स के माध्यम से पूरे पंचायत को हित के दृष्टिकोण से मैं देखता आया हूँ। अब मैं पूरे प्रखंड के लोगों को अपने जिस रेट में गवर्नमेंट ने लागू किया है उस रेट में से मैं धान का कारोबार करेंगे और उसको अकाउंट पर पैसा भेजेंगे और ढंग से चाहेंगे। छोटा राइस मिल है, इससे भी बड़ा राइस मिल बने जिससे कि जनता खुशहाल रहे। हमारे प्रखंड के जनता जो बाजार में 1100 रुपए, 1200 रुपए, 900 रुपए धान बेच करके चले जाते थे, दुख। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं की बैठक चंद्रेश्वर गिरी की अध्यक्षता में हुई बुधवार। गिरी निवास दोनार दरभंगा में मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं की बैठक चंद्रेश्वर गिरी की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नगर विधायक संजय सरावगी ने विश्वपति मिश्र को अपना प्रतिनिधि बनाकर जमीन से जुड़े कार्यकर्ता का सम्मान किया है, आम लोगों का कार्य इससे सुलभ होगा। बैठक में प्रकाश कुमार चौधरी, डॉक्टर एस के रामा, रामलखन महासेठ, काशी प्रसाद शाह, अमरनाथ झा, राजेश कुमार झा, गिरनानंद झा, रूप नारायण गिरी, रोहित कुमार गामी, दिनेश यादव, सत्यनारायण भगत, राजेश चौधरी भी मौजूद। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक जिला भाजपा के सह कोषाध्यक्ष लक्ष्मण झुनझुनवाला की अध्यक्षता में। भगत सिंह चौक पर भाजपा के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई सह कोषाध्यक्ष लक्ष्मण झुनझुनवाला की अध्यक्षता में। उन्होंने नगर विधायक संजय सरावगी को धन्यवाद दिया कि विश्वपति मिश्र को अपना कार्य प्रतिनिधि बनाकर उन्होंने कार्यकर्ता को सम्मान दिया है। बैठक में डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्र, संतोष सार, रोशन गुप्ता, ललित कास्कार, सरोज मिश्र, राम बाबू सार, रंजीत चौधरी, कौशल महासेठ, दिनेश यादव समेत कई लोग उपस्थित थे। संतोष झा, BTN न्यूज।
ये समाचार बदलेंगे आपसे, इस पर नजर डालेंगे एक बार फिर उन खबरों पर जो है। नोटबंदी का एक साल पूरा, संपूर्ण विपक्ष ने जताया विरोध, कहीं फूंका पीएम का पुतला तो कहीं किया प्रदर्शन, भाजपा ने मनाया कालाधन विरोधी दिवस। नोटबंदी, भ्रष्टाचार और कालाधन खात्मे के लिए काबिले तारीफ प्रयास, दरभंगा में यह कहा पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रण। और जिलाधिकारी ने की 7 निश्चय योजनाओं की समीक्षा, धीमी प्रगति पर खासी नाराजगी। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए बिहार टेलीविजन नेटवर्क की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए बीटीएन न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।